नमस्ते दोस्तों, गंगा इंडियन फूड चैनल में आप सब स्वागत है। दोस्तों, बारिश का सीजन भी चल रहा है तो आज हम ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे गर्म गर्म। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, चार पांच आलू हम ले लिया है उबाल के, तो रख देते हैं ठंडा होने दे। और उधर हम बेसन ले लिया है महीन वाला, पैकेट वाला। जब भी बनाए पकौड़ा तब भी ब्रेड पकौड़ा तब भी महीन वाला बेसन ले लें, पैकेट वाला अच्छा रहता है। तब सबसे पहले हम घोल बना लेते हैं। एक ही बड़ा सा हम बर्तन ले लिया है, तब इसी में हम घोल बनाएंगे। तो हम एक छन्नी ले लिया है, एक बर्तन ले लिया है बड़ा सा, अब इसी में हम घोल बनाएंगे। तो इसी में हम छान लेते हैं। बेसन तो महीन रहता है, फिर भी छान के बनाएं तो अच्छा रहता है। इसी चम्मच से हम छान लेते हैं चलाइए। सर हम चाल के ले लिया है, थोड़ा सा जवाइन ले लिया है, तब हाथ को हम करेस कर लेते हैं। करेस कर के डाल देते हैं, जवाइन डाले से बहुत अच्छा स्वाद आवत है। तो थोड़ा सा हम तीखा मर्चा कूटा हुआ डाल देते हैं, इस डाले से बहुत अच्छा चटपटा खाने में अच्छा रहता है। तीखा मर्चा, काली मिर्च कूटा हुआ डाल देते हैं, हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं, एक चम्मच हम नमक डाल देते हैं। अब हम एक चम्मच ले लिया है, अच्छा से हम मिला लेते हैं। थोड़ा थोड़ा हम पानी डाल के इसका हम बैटर बनाएंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। इसके हम ऐसे ही फेटेंगे जौन लम्स न बने, गुठली सब खत्म हो जाती हैं, इस तरह से फेटेंगे। तो हम थोड़ा पानी डाल के और पतील करेंगे। तो देखिए, बैटर हम बना लिया है, इतना पतला रखे हैं और ज़्यादा गाढ़ा भी न रहे तो अच्छा रहता है। तब इसके हम रख देते हैं 10 मिनट बदे रेस्ट बदे। आलू ठंडा हो गए हैं, अब इसके हम इसका छिलका उतार लेते हैं। तो इसी तरह से हम सब आलू के छिलका उतार लेते हैं। तो सब आलू हम छील के ले रख लिया है, तेल डाल दिया है, तेल गरम हो गया है। अब हम जीरा डाल देते हैं। तो जीरा हमारा चटकने लगा है, चिपकने लगा है। हींग हम डाल देते हैं। तो लहसुन अदरक हरा मिर्चा कूट के हम डाल देते हैं कूटा हुआ। इसे हम अच्छा से भून लेते हैं। अब इसका कच्चापन खत्म हो गया है, सुनहरे कलर हो गया है। तो हम आलू फोर के डाल देते हैं। इसे हम अच्छा से भून लेते हैं। थोड़ा सा खड़ी धनिया हम साबुत धनिया डाल देते हैं, थोड़ा क्रस करके। धनिया डाले से अच्छा और स्वाद बढ़ जाता है भरता में। थोड़ा सा धनिया पाउडर हम डाल देते हैं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देते हैं, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्चा डाल देते हैं हम, कसूरी मेथी डाल देते हैं। इसे डाले सब स्वाद बढ़ जाता है खाने। तब अच्छा से मसाले को सब भूज लेते हैं। थोड़ा सा स्वाद अनुसार हम नमक डाल देते हैं, नमक के हम अच्छा से मिला लेते हैं। तो हम एक थाली में रख देते हैं ठंडा हुई, फैला देते हैं अच्छा से। पाँच मिनट बदल रख दें तो अच्छा से सूख जाए, टाइट थोड़ा हो जाए,
तो एक चौका हम ले लिया है, तो इसी पर हम धाई के इसके भरता हम भर लेते हैं। तो एक चम्मच हम ले लिया है, तो इसी से हम चम्मच से भर लेते हैं, चारों तरफ लगा देते हैं। इसके भरता के अच्छा से भरें, घर पर बनाए तो भरता अच्छा से भरें, और दुकान पर इतना अच्छा से नहीं भरेंगे। भरता लगा दिया है, तब एक दूसरा हम उठा के इसके हम चिपका देते हैं। तो इसी तरह से हम सब चिपका देते हैं लगा के। तो एक थाली हम ले लेते हैं, इसी में इसी तरह से हम रख देते हैं। बनाई के हम सब रख लिया है, अब इधर कराही में हम रख दिया है, तेल गरम हो गए। इधर हम बैटर की उबाल लेते हैं, 10 मिनट हो गया, इसके हम फेंट लेते हैं। तेल गरम हो गया है, तो एक चम्मच हम तेल डाल देते हैं बैटर में। तेल डाले से बहुत क्रिस्पी रहता है ब्रेड पकौड़ा, तो थोड़ा सा हम धनिया पत्ती डाल देते हैं। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर हम डाल देते हैं, बेकिंग पाउडर डाले से बहुत अच्छा ब्रेड फूलता है और क्रिस्पी बनता है क्रिस्पी। इसके हम फेंट लेते हैं, देखिए अच्छा से हम फेंट लिया है बैटर के। तेल गरम हो गया है, तो हम ब्रेड के उठा के अब डाल देते हैं ब्रेड के हम घोल में, चारों तरफ हम लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम इसी तरह से हम तेल कलछुल से डाल देते हैं, तो ब्रेड के हम कलर दे देते हैं। ये ब्रेड हमारा कितना अच्छा से फूल गया है और गोल्डन ब्राउन कलर में हो गया है, तो ब्रेड के हम निकाल देते हैं। तो इसी थाली में हम रख देते हैं ब्रेड के, उसी तरह से हम सब ब्रेड के डाल देते हैं। तो इसी तरह से हम सब ब्रेड के डाल देते हैं। इसी तरह से हम सब ब्रेड के फ्राई कर लेते हैं ब्रेड के, इस तरह से बहुत लहाई के पलटे। हमारा फ्राई हो गया है गोल्डन ब्राउन कलर में, तो ब्रेड के हम निकाल लेते हैं, उबाल लेते हैं। तो इसी थाली में हम रख देते हैं, इसी तरह से हम सब ब्रेड बना लेते हैं, डाल देते हैं सब ब्रेड के। हम फ्राई करके रख लिया है, अब मर्चा हम इसके ब्रेड के साथ में मर्चा भी फ्राई कर लेते हैं। तो मर्चा हमारा फ्राई हो गया है, अब निकाल लेते हैं। तो देखिए ब्रेड हमारा बन गया है, अब हम काट के दिखाई देते हैं। तो एक चाकू ले लिया है, तो देखिए इसी तरह से हम सब ब्रेड के काट लेते हैं। तो देखिए तब इसी तरह से हम रख देते हैं। पकौड़ा हमारा बन तैयार हो गया है, इसके साथ में मर्चा भी है और तीखी चटनी मीठी चटनी है। तो बारिश के मौसम में बना खाएं तो बहुत अच्छा रहता है, खाने में बहुत स्वादित रहता है, घर पर बनाएं सब लोग खाते हैं। और आज का हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब के लिए धन्यवाद।